का क्षेत्र, चाहे वो गंजवासुदा का हिस्सा हो, चाहे सिरोंज का हिस्सा हो और चाहे कुरवाई तहसील का हिस्सा हो, जब से हमारी सरकार कांग्रेस की हटी है, कांग्रेस की सरकार हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुरवाई विधानसभा क्षेत्र को रेत का अवैध कारोबार का अड्डा बना दिया। लगातार हमारी शिकायतों के बावजूद लॉकडाउन में भी रेत का अवैध उत्खनन होता रहा, लोगों की नदियों पर स्टॉप बना दिए गए, पूरी तहसील के अंदर, खासतौर से कुरवाई तहसील के अंदर रेत अवैध उत्खनन की कार्यवाही हो रहा है। लगातार हमारा कुरवाई का मीडिया इस बात को लिख रहा है, गैंगवार की बात कर रहा है कि गैंगवार हो सकता है यहाँ, लेकिन अवैध उत्खनन करने वाले पूरी ताकत के साथ अवैध उत्खनन कर रहे हैं। उन्हें न शासन का डर है, न प्रशासन का डर है, सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कारण आज हमने कांग्रेस की तरफ से, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, हमने ज्ञापन दिया है और माननीय SDM महोदय से, माननीय विदिशा में कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक नदी घाट पर जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको रोका जाए। नहीं रोका जाता तो 27 तारीख से मैं अपने घर पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए मेरी दोनों बेटियों के साथ, जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, उनके साथ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर। पहले तो ये बात है कि SDM महोदय अभी नहीं आई है, हमारी कुरवाई की भौगोलिक स्थिति से, नदियों के घाटों से शायद वो परिचित नहीं है, उनको बस दो दिन तीन दिन पहले ही ज्वाइन हुई है। मेरा SDM महोदय से, बहन यादव जी से निवेदन है कि वह विधानसभा क्षेत्र के खासतौर से कुरवाई तहसील की हर नदी घाट का अवलोकन करने जाए, जहां जहां भी अवैध रेत उत्खनन का स्टॉक है उसको जब्त किया जाए और जब्त करने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिनके हैं उनके खिलाफ, और जिन लोगों ने रेत लगातार अवैध तरीके से निकाल रहे हैं, मशीनों से निकाल रहे हैं, पंडुकी से निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। मैं आपके माध्यम से ये बात को कहना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में NGT ने अवैध और वैध उत्खनन के लिए, रेत के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी। अब नए परमिशन के बाद ठेकेदार भी रेत नहीं निकाल सकता, नई परमिशन के बाद शासन से रेत निकाल सकता है, उसके सारे नियमों का उसे पालन करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण आज हमने ये ज्ञापन दिया है और 27 तारीख से मैं मेरे घर पर, कुरवाई में जो मेरा घर है, वहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए विवश होने के लिए ड्राफ्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में चल रहे अवैध उत्खनन के बारे में कहा है, और मेरे साइड से ये इंश्योर कराया जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र में यदि अपने किसी भी घाट में अवैध उत्खनन किया जा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे जिला अधिकारी कलेक्टर साहब का भी यही निर्देश है कि यदि कहीं भी ऐसी कार्यवाही चल रही है, अवैध गतिविधि चल रही है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर मैं ये बहुत जहाल साहब को भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने 26 तारीख तक का समय अपने ज्ञापन में दिया है, तो उन्हें अनशन पर हम नहीं बैठने देंगे और कार्यवाही निश्चित।